आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर बहराइच से। समाजवादी पार्टी जन समस्याओं को लेकर आंदोलित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर जिले में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासन ने उन्हें धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। इसके कारण सपा नेता और कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यालय पर ही प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यासर शाह ने उत्तर प्रदेश से फिल्म सिटी बनाने की सरकार की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि जहां एक और प्रदेशवासी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कोविड-19 के नाम पर भारी घोटाले के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई और कर्मचारियों का वेतन काट करके इकट्ठा की गई रकम से कोविड-19 के लिए जो उपकरण खरीदे गए उसमें बड़े पैमाने पर दलाली की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की क्वारंटाइन सेंटर में दुर्दशा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सरकार विफल रही है। बहराइच से बिलाल अहमद की रिपोर्ट।